बिहार में विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी गई है। कैबिनेट में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भी रखा गया। बता दीजिए बिहार में अब लगातार सियासी संकट और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। नीतीश गुट के मंत्रियों ने कैबिनेट का बहिष्कार भी कर दिया। बैठक छोड़कर वो बाहर निकल आए। जो बाहर निकले थे वो तमाम मंत्री नीतीश गुट के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि 22 मंत्री बैठक छोड़कर बैठक से बाहर आ गए। इनमें 29 में से 7 मंत्री प्रस्ताव के समर्थन में हैं, जबकि 22 मंत्री प्रस्ताव के खिलाफ हैं। बता दें कि मानचंद्र सिंह, नीतीश मिश्रा, नरेंद्र सिंह मांझी के समर्थन में है। साथ ही वृषण पटेल, शाहिद अली, भीम सिंह भी मांझी के समर्थन में है। साथ ही बैठक में मंत्रियों के बीच काफी गर्मा गर्मी भी हुई है। इतना ही नहीं, नरेंद्र सिंह और श्याम रजक के बीच बताया जाता है कि झड़प भी हुई है बैठक के दौरान। नीतीश कुमार और मांझी की बातचीत भी फेल हो गई है। इसी के बाद ये बैठक बुलाई और आखिरकार मांझी ने विधानसभा भंग करने के लिए प्रस्ताव रख दिया और साथ ही राज्यपाल को भी भेज दिया है। जेडीयू ने बीजेपी पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं, पार्टी में झगड़ा करवा रही है बीजेपी, ये कहना है जेडीयू नेताओं का। तो इस वक्त बिहार में सियासी संकट लगातार और ज्यादा बड़ा होता चला जा रहा है। पहले नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी और वो बातचीत विफल रही है। आखिरकार इसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई जीतन राम मांझी ने और उस बैठक में उन्होंने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि उस बैठक में जो 22 मंत्री नीतीश गुट के बताए जाते हैं वो बैठक का बहिष्कार कर बाहर आ गए और उन्होंने उस प्रस्ताव का विरोध किया है, जबकि 7 मंत्रियों ने उस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। कुल 29 मंत्री थे उस बैठक में, लेकिन उनमें से 22 मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया जबकि 7 मंत्रियों ने उसका समर्थन भी किया है। दूसरी तरफ जेडीयू नेता लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार जानबूझकर नीतीश और मांझी के बीच में इस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। साथ ही नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जीतन राम मांझी, या ये कहें कि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बाद जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा रही और उसी का नतीजा हुआ कि कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रख दिया गया। एक प्रस्ताव असेंबली डिजॉल्व करने का मुख्यमंत्री जी को उस राजेश्वर का नरेंद्र सिंह ने पेश किया, उसको मंत्रियों ने समर्थन दिया, बाकी सारे उसके विरोध में थे। मतलब दो तिहाई से अधिक बहुमत से उस प्रस्ताव के खिलाफ खारिज किया। नरेंद्र सिंह ने प्रस्ताव लाया था जिसे 7 मंत्री छोड़कर सभी मंत्रियों ने उसे खारिज किया। बिहार विधानसभा को भंग करने का प्रस्ताव रखा गया, उसका सभी माननीय मंत्रियों, कुछ मंत्रियों को छोड़कर सभी ने इसका जोरदार विरोध किया कि अभी वक्त नहीं है, समय नहीं है। अभी 5 साल की चुनी गई सरकार है और आप नॉमिनेटेड मुख्यमंत्री हैं, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए इस प्रस्ताव को वापस। इस वक्त जो सियासी संकट है बिहार में वो और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। बिहार में स्थिति यह है कि विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कैबिनेट में रखा। इसके अलावा बताया जाता है कि राज्यपाल को भी सिफारिश कर दी है। देखना होगा आगे क्या स्थिति बनती है। दरअसल इससे पहले नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच एक बैठक भी हुई थी जो बेनतीजा निकली और उसी के बाद बैठक बुलाई जीतन राम मांझी ने कैबिनेट की। उस बैठक में 29 मंत्री थे, 29 में से 22 मंत्री जो प्रस्ताव रखा गया था विधानसभा भंग करने का, 22 मंत्री उसके खिलाफ थे और उन्होंने बैठक का बहिष्कार भी कर दिया, जबकि 7 मंत्री ऐसे थे जो कि उसके समर्थन में थे, जिसमें वृषण पटेल भी थे, नरेंद्र सिंह भी थे जो कि उस प्रस्ताव के समर्थन में थे, यानी कि जीतन राम मांझी के साथ खड़े नजर आ रहे थे। नरेंद्र सिंह और श्याम रजक के बीच झड़प की खबरें भी हैं। इस वक्त इतना बता दें आपको कि जो बैठक हुई थी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच में वो भी नतीजा रही और उसी के बाद ये सियासी संकट और आगे बढ़ता चला जा रहा है। पार्टी में झगड़ा करवा रही है, ये आरोप जेडीयू यहां पर लगाती नजर आ रही है। जेडीयू का यह भी कहना है कि बीजेपी स्क्रिप्ट लिख रही है और इसी के हिसाब से देखिए जो आज बिहार में स्थिति है उसके जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद उन्होंने खुद लोकसभा के चुनाव के वक्त में कहा कि जनता का विश्वास नहीं है इसलिए वो त्याग पत्र दे रहे हैं, और फिर ढिंढोड़ा पीटा गया कि पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोड़ा पीटने का काम किया कि महादलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। अब उसी महादलित समाज के व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं जदयू के नेता, कैबिनेट में गाली गलौज की है,
कैबिनेट में अपमानित किया है। इस तरह किसी माननीय मुख्यमंत्री को अपमानित करने का उनके दल के लोगों को भी अधिकार नहीं है। और ये सही है कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने इससे विधानसभा को भंग करने की सिफारिश उस कैबिनेट में की है। भारतीय जनता पार्टी को जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। हम समझते हैं कि इस वक्त एक ही विकल्प है कि चुनाव होना चाहिए और जनता को तय करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जदयू के पास पहले भी बहुमत नहीं था और जिस तरह से कैबिनेट दो फार हो गई तो इस कैबिनेट के अंदर जिस तरह की घटना घटी है उसमें चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने को तैयार है। सर, आप एक इससे पहले भी माजी कहते रहे कि दलित होने का कहीं उन्हें ये तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। नहीं, जिस तरह ढिंडोड़ा पीटा जाता था कि महादलित परिवार को बहुत सम्मान दे रहे हैं नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड, और जिस तरह एक महादलित परिवार के व्यक्ति को अपमानित किया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की मिसाल कभी राजनीति में देखने को नहीं मिली है और ये इसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा भी करती है। सर, एक अंतिम सवाल, कि जेडीयू का ये भी आरोप है कि बीजेपी के नेता ही ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे। देखिए, जेडीयू के घर में लग गई आग जेडीयू के चिराग से, इसमें भारतीय जनता पार्टी के चिराग का लेना देना नहीं है। और उसकी जो हवा है, जो लॉ बढ़ रही है, वो नीतीश कुमार जी की जो सत्ता के लिए बेकरारी है वो वजह है। और इस वक्त हमारे साथ प्रभात खबर के संपादक मिथिलेश जी जुड़ गए। मिथिलेश जी, ये जो पूरा राजनीतिक संकट इस वक्त बिहार में गहराया हुआ है, इसका परिणाम आप क्या देखते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रभात खबर का संपादक नहीं, ब्यूरो चीफ, स्टेट ब्यूरो चीफ हूँ। जी 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 जी, जो खबरें आई हैं उस हिसाब से लगता है अब पूरी गेंद जो है अब राजभवन के पाले में है। जी जी, राजभवन को निर्णय करना है कि वो मांझी के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के जो प्रस्ताव है, जो उनकी सिफारिश है, उनको वो स्वीकारते हैं या जदयू विधायक दल में जो आज नेता चुने जाते हैं उनके प्रस्ताव को सरकार बनाने के लिए कहते हैं। पूरी तरह से राजभवन पे निर्भर है, राजभवन सजग भी है और यूपी राज्यपाल जो है वो बिहार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको पूरी जानकारी है चीजों की। और बिहार के कैबिनेट के राज्यपाल के सेक्रेटरी राजभवन कोलकाता में कैंप कर रहे हैं, वो भी पल पल की जानकारी राजभवन को बता रहे हैं राज्यपाल को। तो अब सारा चीज, अब पूरी चीजें जो है वो राजभवन के पाले में है। जी बिल्कुल, यानी कि राजभवन के पाले में। लेकिन क्या लगता नहीं आपको कि दाव उल्टा पड़ा है यहाँ पर नीतीश कुमार का? पहले नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया और चाहते थे कि अपने हिसाब से वो सरकार चलाते रहें और नीतीश जीतन राम मांझी को ही शायद वो उन्हें सबसे भरोसेमंद लगे हों, लेकिन दाव यहाँ पर उल्टा पड़ा और स्थिति ऐसी आ गई कि अब दो हिस्से में बटती नजर आ रही है जेडीयू। मिथिलेश जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये आज भी नीतीश कुमार ने कोशिश की कि मांझी के साथ वो एक रास्ते पे है और मांझी को मनाने की पूरी कोशिश की। शरद यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नीतीश कुमार प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के साथ मांझी जी को बुलाया गया, मुख्यमंत्री मांझी नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, करीब दो घंटे तक बैठक चली, नीतीश और शरद मनाने की पूरी कोशिश करते रहे, बंद कमरे में बातचीत हुई, लेकिन मांझी सस्तमस नहीं हुए। मांझी का कहना था कि आप विधायक दल की बैठक को पहले कैंसिल करिए और हम कैबिनेट को करते हैं। तो ये मांझी ने पूरी तरह ये दिखा दिया। कल भी मांझी सहरसा की सभा में कहा था कि हम अब रुकने वाले नहीं है, महाभारत होकर रहेगा। आज तमाम कोशिशों के बावजूद मांझी नहीं माने और उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और वो उन्होंने विधानसभा भंग करने की सिफारिश राजभवन को भेज दी। जी मिथिलेश जी, जेडीयू लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही कि वही इसके पीछे है, लेकिन शाहनवाज हुसैन की भी बात हमने सुनी, उन्होंने कहा कि जेडीयू के चिराग से जेडीयू ही तबाह हो रही है, लेकिन बीजेपी की भूमिका कहाँ देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम में आप? पूरी तरह बीजेपी पूरी तरह पर्दे के पीछे, इसको हम मान सकते हैं, आप मान सकते हैं, लेकिन खुलकर बीजेपी कभी साथ नहीं आई। नेता विपक्ष या मुख्य विपक्षी दल होने के कारण बीजेपी के नेताओं ने इतना जरूर कहा कि जो राजनीतिक हालात है उस पर हमारी नजर है, लेकिन कभी खुलकर ऐसा ऑफिशियल उन्होंने नहीं कहा कि मांझी को हटा दिया जाएगा तो विधानसभा में हम समर्थन करेंगे। ऐसा बीजेपी के नेता या तो प्रदेश के जो बड़े नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी या फिर प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, इन लोगों ने कभी खुलकर ऐसा नहीं कहा। और पर्दे के पीछे से राजनीति चलती रही। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो बागी वाले विधायक रह चुके हैं, अभी उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, वो दोनों ओर से कोऑर्डिनेट करवाते रहे
लेकिन खुलकर ये था कि जब अब आज पहले विधायक दल की बैठक में क्या होता है उसके बाद बीजेपी की रणनीति आगे बनती है। अभी मैं आपको बताऊं जो विधानसभा में विपक्ष के नेता है नंदकिशोर यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दिल्ली में वो पहुंचे हैं और अमित शाह के साथ वो पार्टी बैठक कर रहे हैं बिहार के मसले को लेकर। जी लेकिन मिथिलेश जी हाल में अगर आपको याद हो तो लगातार स्वर जरूर बदले हैं, बीजेपी हो या उनके सहयोगी। रामविलास पासवान का कहना था कि बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं जीतनराम मांझी, लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। यही बात उमा भारती भी कहती नजर आई थी कि बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब अगर आपको याद हो बीजेपी में या एनडीए सरकार में मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, उनका ये कहना था कि हम किसी भी सूरत में जीतनराम मांझी को सरकार को गिरने नहीं देंगे। क्या इस पर कोई आप कहें कुछ कहना चाहेंगे, टिप्पणी इस पर करना चाहेंगे? ये इस तरह के नेताओं का, गिरिराज सिंह का हो या फिर और नेताओं का जिन्होंने जिनका आपने जिक्र किया, तो सबसे पहले रामविलास पासवान एक दलित नेता के रूप में उनकी पहचान है। अगर वो खुलकर विरोध करते मांझी का या मांझी के सपोर्ट की बात वो नहीं करते तो एक दलित विरोधी होने का चेहरा एक उनका सामने आता। इसलिए एक राजनीति के तहत एक दलित में सबसे ज्यादा बिल्कुल बहुत अहम बात आप यहाँ पर मिथिलेश जी कह रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार अगर बड़ी कार्रवाई करते तो ये भी दिखता कि आखिर आप विरोधी हैं, और ये बात जीतनराम मांझी साबित करने की कोशिश भी करते। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी, आप जुड़े, आपने तमाम बातें यहां पर रखी हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त बता दें आपको, विरोध करने वालों को बर्खास्त कर सकते हैं मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी। 21 मंत्रियों ने प्रस्ताव का विरोध किया था इस वक्त की और बड़ी खबर, विरोध करने वालों को बर्खास्त करने का मन बताया जाता है कि जीतनराम मांझी ने बना लिया और उन्हें वो बर्खास्त भी कर सकते हैं। 21 मंत्रियों ने प्रस्ताव का विरोध भी किया था, जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था विधानसभा भंग करने का कैबिनेट में।